जागे मीना? मैं समझी तुम सो रहे थे भैया। पर यहाँ नींद किसे आती है? क्यों नींद क्यों नहीं आती पड़े भैया? रात भर सपने आते रहे, एक शाही बारात और घोड़े पर सवार एक राजकुमार और पीछे पीछे घारों के कंधों पर एक डोली और डोली में एक सहनी सहनी सजीली लजीली। मुझे मालूम है दुल्हन कौन है, मास्टर निजी ना? छे पगली, मैं तो अपनी छोटी बहन के सपने देख रहा था। अच्छा अच्छा भैया, सपने बहुत देखी, अब उठो। मालूम नहीं आज रक्षाबंधन है? हाँ खूब मालूम है, आज हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। वो तो भरना ही पड़ेगा, मैं जाके शेखर भैया को बता। मुसीबत, इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया? ये तुझे कहाँ से मिली? जहाँ तुमने रखी। ला ला मुझे दे, ला। पहले बताओ ये है कौन? तेरी सास। मेरी सास या तुम्हारी सास की बेटी? तू लड़की के लिए ला। भैया भैया को बुलाने लगी है? अब मैं भांडा फोड़ती हूँ। अरे तो भैया बात क्या है ना? भैया भैया है ना वो भैया वो क्या बात है सब? जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ये छोटे भैया है ना आजकल 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 बहुत पढ़ते हैं। अच्छा ठीक करते हैं, वो पढ़ना ही चाहिए, परीक्षा करीब आ रही है और फिर शेखर तो जानता है कि हमारी सारी उम्मीदें इसी पर लगी। अच्छा शेखर मैं नहाने के लिए जाता हूँ और तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ जी। हाँ जाओ छोटे भैया, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। जा जा, बहुत देखी है तुझ जैसी। इस जैसी तो नहीं देखी होगी। बुलाओ भैया को। और कल ठीक समय पर आ जाना। हाँ और ये राखी अपने अपने भाइयों के हाथों पर जरूर बांध देना। हाँ समझ गए ना? अच्छा अब तुम जाओ। यशोदा आज तो मीना के पांव जमीन पर नहीं पड़ते होंगे। हाँ सुबह से भाग दौड़ कर रही है, बड़ी चंचल है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। जानती हो आज उसने क्या कहा? क्या कहा? आज रात को मैंने शादी का सपना देखा और सवेरे मैं मीना को सपना सुना रहा था तो कहने लगी मैं जानती हूँ दुल्हन कौन है। कौन है दुल्हन? अच्छा कहने लगी मास्टर नीज। ठीक ही तो कहा मीना ने, ये हमेशा सपना ही रहेगा। शोधा ये तुम क्या कह रही हो? सच्ची तो कह रही हूँ, चाचा जी बार बार पूछते हैं और मैं बार बार कहता हूँ मैं ये शोधा को दुल्हन बनाऊंगा। कब? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। शोधा हमारा प्यार कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, हमेशा जवान रहेगा, अमर रहेगा।
शेखर हम तो ठहरे चचेरे भाई लखनऊ आया सहारनपुर। बहुत देर कर दी भैया। वो इसके लिए यूं तो कहीं से भी रुपया निकालना मुश्किल है, लेकिन पिताजी की जेब से बाप रे बाप, ऐसे जैसे सा भाई तुम तो समझती हो ना, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब वो लेकिन मेरे वो हार नहीं, दस रुपये भी तो दूंगा। दस रुपए फिर गए, कमाल है, रखो 70 और निकले 60। मुझसे कुछ कहा मालिक? अरे दुखिया के बच्चे तू यह क्या कर रहा है? कितनी बार कहा मालिक कि मेरा नाम दुखिया नहीं सुखिया है। अच्छा अच्छा, पर तू यहाँ कर क्या रहा है? सफाई कर रहा हूँ। अच्छी सफाई कर रहा है, निकाल वो 10 रुपए। काहे के 10 रुपए? देख उल्लू मत बना, सीधी तरह दे दे 10 रुपए। देखो मालिक, चोरी का इल्जाम मत लगा, क्या नौकरी पाई है, दिन रात गुलामी करो, चूल्हा फूको, टांगा चलाओ, नौकर नहीं रखना है तो साफ कह दो। टांगा चलाता है तो क्या मुझ पे एहसान करता है? मुझे पता है कितना ये खाता है और कितना घोड़ा खाता है। ए, ये बिस्तर लेके कहाँ चला? जाना है तो रुपए देकर जा। रुपए ले लो, तलाशी ले लो। मैं क्यों लूंगा तलाशी, पुलिस लेगी तलाशी,
थाने चलना पड़ेगा। किसको थाने भेज रहे हैं आप पिताजी? इस चोर को, इसने मेरे रुपए चुराए। रुपए? रुपए तो मैंने चुराए थे पिताजी। तूने फिर चुराए? हाँ, ले चलो आप चोर को पुलिस थाने, ले चलो ले चलो। जा जा जा, अपना काम कर। चल ला दे मेरे 10 रुपए। पिताजी वो तो मैं अपनी बहन को दे आया। आज ये रक्षाबंधन है ना? हाँ हाँ, लुटाओ लुटाओ, बाप का माल है ना, शर्म नहीं आई? इतने से धागे के 10 रुपए दिया। पिताजी ये धागा नहीं, एक बहन की प्रार्थना है, आप इसकी कीमत क्या जाने? अरे छोर, मैंने भी बहुत सी राखियां बनाई हैं, लेकिन कोई कह सकता है किसी को धेला दिया? बेटा पता है 10 रुपए कैसे कमाए जाते? जी हाँ पिताजी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 10 दिए 20 लिखवाए, क्यों ठीक है ना? ए! ए! बहुत बहुत शुक्र है, एक ही पैदा हुआ, कहीं 4 पैदा हो जाते तो पिताजी हिंदुस्तान में कोई गरीब ना होता। हाँ क्यों मैं दुखिया के बच्चे, क्यों हंस रहा है? मालिक कितनी बार कहा कि मेरा नाम दुखिया नहीं, दुखिया है, इसलिए हंस रहा है। सुनो, तुम फीस फीस की फिक्र ना करना, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है। 2-3 दिन में महेश जा रहा है, मैं उसके हाथ भिजवा दूँ। छोटे भैया ये लो आचार। चलो टांगे वाले। अच्छा भैया, फीस दे दी थी ना शेखर भैया की? नहीं मीना, इसी का तो इंतजाम नहीं कर सका अभी तक। कारखाने से क्यों नहीं मांग लेते, जहाँ दिन रात मेहनत करते हो? वहाँ पर तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती, पेशी कहाँ से मिलती? माँ कहती थी ना भैया, चाचा जी के पास अपने 5,000 रुपए पड़े हैं, उनमें से क्यों नहीं ले लेते? नहीं मीना, उस रुपए को तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, वो पिताजी तुम्हारे ब्याह के लिए छोड़ गए हैं, वो तुम्हारी दौलत है। मैं तुमसे अलग हूँ भैया। एक तरह से हो भी, बेटी पराया धन होती है, दूसरे की अमानत, दिल का टुकड़ा, फिर भी एक कर्ज। जब तक इंसान चुका ना दे, चैन से नींद नहीं आती, फिर मैं तुम्हारे पैसे को कैसे हाथ लगा सकता हूँ? तो तुम नहीं जाओगे चाचा जी के पास? नहीं मीना। अच्छी बात है, मैं जाके माँ से कहती हूँ। माँ। ओ बाबा, अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ चाचा जी के पास, बस। हे भार्गव, सस्ता भला है, तेरा ही आसरा है। जय हो जय हो जय हो। कौन? राजेंद्र, आओ बेटा आओ, कुर्सी ले लो, बैठो। क्या लाऊं खाने को? क्या लाऊं खाने को, बाप का माल है बेटा, तुम्हारी बात है। ये गधा जो कोई भी आता है ऐसे उलझल उल सवाल करता है, अब पूछो जी घर से कोई भूखा आता है? चल अपना काम कर, जाता है कि जाता हूं। बोलो बेटा कैसे आना हुआ? जरा काम से आ सकते हैं। बोलो बोलो, तुम लोगों के लिए तो जान भी हाजिर, तुम ही लोग तो मेरे भाई की निशानी, जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल भरा। चाचा जी, पिताजी आपके पास कुछ रुपए छोड़ गए थे मीना की शादी के लिए। वो रुपए? अरे वो तो कवि के खर्च हो गए। अच्छा हो गए, किस बात में? अरे भाई, तुम्हारे बाप का क्रियाकर्म किया, फिर बड़ी धूमधाम से तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म किया, वो तो मेरी जेब से भी बहुत कुछ खर्च हो गया, लेकिन तुम बच्चों से क्या वापस मांगो? चाचा जी हिसाब तो रखा ही होगा आपने। गजब हो गया, तुम्हारी तो आंख का पानी गिर गया, तुम मुझसे हिसाब पूछ रहे हो अपना पिता समान चाचा से? मेरी क्या मजाल है चाचा जी, लेकिन शेखर की फीस का अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर सकता। 500 रुपए की सब जरूरत है। 500 रुपए? देखो बेटा, मैं तो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ, 500 रुपए तो क्या, मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं निकले। ये तिजोरी तो देखने की रह गई, कोई अच्छा गायक हो तो बताना, कम से कम लोहे के पैसे तो मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। जाओगी? कुछ पानी वानी भी नहीं पिया? ऐसे चले आते हैं जैसे मैं नोट छापता हूँ।
सुखिया सुखिया। मुझे बुलाया मालिक? अरे देख रहा भगवान को क्या हो गया, क्यों मुझे ये इस तरह देख रहे हैं? मालिक भगवान तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या खुश दिखाई देते हैं, ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मैंने बड़ा पाप किया हो। हाँ मालिक, भगवान तो आयना है आयना, जैसा आदमी हो वैसा रूप दिखाई देता है। आजा अपना काम कर, वैसा रूप दिख। मैं जाती हूँ उनके पास, एक बार मेरे सामने तो कहे। कुछ फायदा नहीं होगा, तुम सिर्फ उन्हें शर्मिंदा कर सकती हो। जब तक आंख की शर्म बिल्कुल मर ना जाए, इंसान बेटी का धन खा ही नहीं सकता। अब तो मुझे ख्याल नोचने लगा है शेखर परीक्षा में बैठ भी सकेगा या नहीं। शेखर भैया जरूर बैठेंगे परीक्षा में। ये लो भैया, इसे जाके बेच दो। मीना, माने से तुम्हारे ब्याह के लिए बनवाया था। शेखर भैया पास हो जाए तो ऐसे 20 हार और बन जाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया, इसे जाके बेच दो। नहीं मीना, मैं इसे नहीं बेच सकता। नहीं बेचोगे? अच्छा मैं जाके माँ से कहती हूँ। माँ, तुमने देख लिया ना माँ, भैया मेरी बात नहीं मानते, मेरी कोई जगह नहीं इस घर में। देखो माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं भी शिकायत कर सकता हूँ। देखा माँ किस तरह भैया रोक जमाते हैं। और माँ ये भी जानती है कि तुम कितनी जिद्दी हो, अपनी हर बात मनवा के छोड़ती हो। तो एक बात और मान जाओ ना भैया, मान जाओ ना भैया, मान जाओ ना भैया, भैया मान जाओ ना भैया। इसे शेखर को दे देना और उसे कहना पढ़ाई में पूरा मन लगाए, खूब मेहनत करे। वो तो शेखर कर ही रहा होगा बड़े भैया। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बतिया बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। शबाब हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारी दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हाँ भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। आओगे जिस दिन लेके बारात, दे देंगे हाथों में ये हाथ। हाँ किसी के प्यार
कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। निसार मेरे चमन की तू है बहार, पत्तियां तो भारे रस की फुहार, हमने सुनी हम दिल जय हार। हाँ, किसी के ख्वाब में झूम के तो आओ, छोटी छोटी बात पर जी न जलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। घुंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। अरे महेश, तुम यहां? महेश, कौन है ये? मेरा चचेरा भाई। आओ। ओ। यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं आई, लेकिन बात क्या, ये बहता हुआ खून, ये उखड़ी हुई सांस, है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अबे अंदर कहाँ जाता है? आ जा, चल चल, कहीं आओगे ना, कुंजे कहेंगे। अच्छा, तो तू ही है जिसके पीछे दो आदमी भाग रहे हैं? जोर से बात करो, खबरदार नजदीक आए तो। ठीक है, तो फिर मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। तुम उनको बुलाओगे तो मैं खिड़की से कूद के जान दे दूंगी। अरे जा, बहुत देखे हैं जान देने वाले। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे नीचे गिरेगी तो मर जाएगी। अरे सुन तो सही मेरी बात भाई। अरे नहीं, मेरी बात सुन पहले। सारे शहर में ये खिड़की मिली थी मरने को। हाथ मेरा काटा और रो कूद रही है। अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप नहीं है? बचपन ही में मर गए। और ये जो बूढ़े थे वो कौन थे? एक ने मुझे पाला और दूसरा खरीदना चाहता है, इसीलिए भाग आई। फिर जाता रही हूँ। मुसीबत मेरी है, तकलीफ आपको क्यों दूँ? अगर वो बूढ़े बाहर मिल गए तो? ये डंडा अभी मेरे पास है, अगर डंडे से काम न चला तो कोई खिड़की मिल जाएगी, नहीं तो कोई कुआं ढूंढ लूंगी। देखो, अगर तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो,
यहाँ ना कोई खरीदने वाला है ना कोई बेचने वाला, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, पहले तो तुम ही देख रहे हो, नजर हटाओ। क्या हुआ? नजर हटा के बात करो। लो हटा ली नजर, अब मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। अरे देखो देखो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, कोई आ गया है, तुम वहां जाके छुप जाओ। यूं क्यों चले आए? तुम्हारी पढ़ाई में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए चला आया। शेखर, भैया ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए भेजे हैं। वो बेचारे अपनी जगह ये सोचते हैं कि तुम यहाँ बड़ी मेहनत करते हो, और चाचा जी भी तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। मेरी बात तो तुम छोड़ ही दो ना, मैं यहाँ पढ़ने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तफरी के लिए आया हूँ। पास हो जाऊंगा तो पिताजी की गद्दी पर बैठना पड़ेगा, फेल हो जाऊंगा तो एक साल और मिलेगा तफरी करने को। एक साल और मिलेगा और फिर उसके बाद एक साल और मिलेगा। कर रहे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भाई बड़े ढीट आदमी हो। भाई ढीट नहीं, शीशे की तरह सा, जो दिल में है वो जबान पर। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। जो रुपया तुम्हें आता है वो बड़े भैया के गाढ़े पसीने की कमाई होती है, और जो रुपया मुझे आता है वो भी बनता पसीने से ही है, लेकिन किसी और का पसीना होता है। इसीलिए मैं रुपया उड़ाता हूँ, खुद उड़ता हूँ, और तुमसे ये कहता हूँ कि ये उड़ान तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। भाषण के लिए धन्यवाद। भैया महेश की। क्या लिखा है महेश भैया ने? शेखर भैया तो अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि आज ही मुझे शहर जाना पड़ेगा। तुमने तो कमरे को ऐसे सजाया है कि मैं समझो ये किसी और का कमरा है। बाप रे, तुम ये कमीज और लुंगी में तो बहुत जचती हो। मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया। खा खा। ये लो, तुम खाओ। मैं तो खाया हूँ, तुम खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे भाई मेरी तोबा, लाओ क्या है खाने को, दो वो दो। महेश कोई आ गया। बड़े भैया जीते रहो, भैया जीते रहो। मैं शेखर के कमरे में गया था मगर वो तो वहां नहीं। भैया शेखर कमरे में कहाँ होगा? वो जहां भी है तुम मुझे उसके पास ले चलो। चलिए देखो, हम लोग अभी बाहर जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ महेश, ये लड़की कौन है? भैया भैया ये लड़की कहाँ? ये तो लड़का है, मेरा दोस्त। अरे भैया वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं शोभा के बारे में पूछ रहा हूँ। ये शोभा कौन है? ओ भैया, ये शोभा जो है ना, ये शेखर के साथ कॉलेज में पढ़ती है, अमीर घर की बेटी है। उसका बाप जो है ना, रेस का बहुत शौक रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे आर्य, आत्मा वो चीज है जिसको न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है। हर तेरे की तू है चंचल, मैं समझा कि शोभा आ गई है। अच्छा अब आ ही गई है तो जरा एक काम कर, इसी नंबर पर हाथ तो रखे। क्या बाबूजी, हर वक्त हाथ रखवाते हो, हाथ पर रखते कुछ नहीं। रखूं हाथ?
जिस घोड़े पे तू हाथ रखती है या तो उसकी टांग टूट जाती है या कमबख्त रेस में उल्टा दौड़ने लगता है। जिस रोज सीधा दौड़ गया ना बहुत इनाम मिलेगा तुझे। चल आंख बंद कर और रखा दस नंबर जरूर जीतेगा। लो बहना आ गई तो चल भाग यहां से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे आर्य भैया मैं जाता हूं। अच्छा शोभा मैं जाता हूं। वाह ये खूब रही। आज तो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए खाना बनवाया है। खीर दही बड़े मटर वाले चावल खाओगे तो उंगली काट लोगे। नहीं शोभा परीक्षा सर पे आ गई है मैंने कुछ तैयारी नहीं की। अरे हाँ शेखर तुम रोज कहते हो और मैं रोज भूल जाती हूँ। अच्छा शेखर सिर्फ आज के दिन खा लो। कल से तुम खूब पढ़ना। सुबह पढ़ना शाम पढ़ना बस पढ़ना ही पढ़ना। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी तुम मुझसे नहीं मिलना। क्यों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। भैया सुबह ये मेरे बड़े भाई। ओह पिताजी शेखर सिर्फ इतना कहने आया था कि मीना की और मेरी उम्मीदें सिर्फ तुम पर लगी हैं। कुछ बन जाओगे तो हमारा जीवन भी संवर जाएगा। खेलकूद के लिए सारा जीवन पड़ा हुआ है लेकिन परीक्षा के लिए समय बहुत कम है। समय भाग गया तो तुम क्या करोगे हम क्या करेंगे? कमाल कर गया शेखर तुमने भाई साहब को अभी तक बिठाया भी नहीं। आइए आइए साहब बैठिए तशरीफ रखिए। बेटी शोभा जाओ इनके खाने का इंतजाम करो। अच्छा पिताजी तुमने बताया भी नहीं कि भाई साहब आने वाले हैं। मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। अरे तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ शोभा का हाथ बटाओ। जी शेखर बड़ा होनहार लड़का है मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है जैसे दूध में पानी। और शोभा को भी आपने देख ही लिया है पढ़ी लिखी है मगर बहुत ज्यादा सुशील जैसे मुंह में जबान ही नहीं। शोभा और शेखर तो ऐसा मालूम होता है जैसे बने ही हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन श्रीमान जी आपका खानदान और हमारा घराना। अजी साहब ये सब कुछ मैं पूछ चुका हूँ। पीढ़ियों से हमारे खानदान एक साथ रहे हैं। साहब ये तो कल की बात है कि हम लोग यहाँ चले आए और आप वहीं रह गए। रही गरीबी अमीरी की बात सो लड़कियाँ जहाँ जाती हैं अपने भाग अपने साथ लेकर जाती हैं। वो तो ठीक है पर ये होगा कैसे? हाँ शोभा ये होगा कैसे? जब तक मीना के लिए कोई वर नहीं मिलता मैं ब्याह का सोच भी नहीं सकता। और फिर बड़े भैया भी तो जी नहीं मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने मां को वचन दिया था कि पहले मीना का ब्याह करूंगा फिर शेखर का। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ मीना की। होनी ही चाहिए साहब लड़की की जात ठहरी। अरे ये तो खूब याद आया। अरे साहब ये तो डबल टूट हो गया। डबल टोट? जी हाँ रेस की भाषा में एक तीर दो शिकार को डबल टोट कहते हैं। जाने कैसे ख्याल आ गया। बड़ा अच्छा लड़का है अभी अभी डॉक्टरी पास की है। रमेश नाम है उसका। डॉक्टर? लेकिन अच्छी लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैंने खुद उसे पढ़ाया है। कान पकड़ के रिश्ता करा सकता हूँ। जी हाँ आपकी बड़ी कृपा होगी बड़ी कृपा होगी। डरते क्यों हो? वो तुम्हें निगल थोड़े ही जाएंगे। मुझे शर्म आती है। शर्म तो आती ही है मगर ये तो सोचो मीना वो तुम्हें इतनी दूर से देखने आए हैं। मीना मैं मर गई अब मैं क्या करूं? जाओ और क्या मीना शर्माती है। Thank you.
जीती रहो बेटी। यह मेरी छोटी बहन मीना, मैंने इसे बहुत ही लाड से पाला है। आप फिक्र न कीजिए, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लड़की हमें पसंद है और लड़का तो आपने देख ही लिया है। क्यों पंडित जी, कब का लग्न है? बसंत पंचमी के दिन, देवी देवता भी इसी दिन ब्याह जाया करते हैं। तो फिर मुंह मीठा कीजिए, बधाई हो। बधाई तो आपको है जिन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी है। हम तो लड़की वाले हैं, आपके पांव की धूल है। कैसी बातें करते हैं, आप तो हमारे सरताज हैं। जाइए घर वालों का मुंह मीठा कराइए। यशोदा, यशोदा, मीना रो क्यों रही है? सभी रोती हैं। एक घर जाना पड़ता है, एक घर छोड़ना पड़ता है। यशोदा, मैंने मीना का शगुन दे दिया। अरे तुम भी रो रही हो, बात क्या है? मां, आज मैं बहुत ही खुश हूं। शेखर की सगाई तो कर ही दी थी, आज मीना का शगुन भी दे दिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर है। हाँ भाई, अब तो बुजुर्गों के साथ साथ रिश्ता भी खत्म हो गया। मीना का शगुन दे दिया और ये पूछा भी नहीं कि चाचा जिंदा है या मर गया। चाचा जी, मीना का शगुन बस अचानक ही हो गया था, वरना आपको ना बुलाता। खैर छोड़ो इन बातों, बोलो क्या सेवा करूं। चाचा जी, मीना और शेखर की शादी के लिए मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 10,000? मेरे पास कहा है 10,000? हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो जरा लंबा धंधा करता है। पर तुम्हारे पास कुछ रहन रखने को है? अपना मकान। क्या कहा, मकान? अरे क्या हो गया है तुम लोगों को, मेरे बाप दादा की इज्जत गिरवी रखोगे? लेकिन चाचा जी सोचिए तो, मीना की शादी तो करनी है। हाँ, ये भी बाप दादा की इज्जत का ही सवाल है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, मैं सब कागज तैयार रखूंगा, कल तुम आकर दस्तखत करना और रुपए ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। बेटा दस्तखत कर दो, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। लेकिन चाचा जी, मकान तो आपने अपने नाम लिखवा लिया। इसलिए कि तुम्हारे घर की बात बाहर ना जाए। तुम्हारा मकान अपने नाम लिखा लिया है और अपना मकान उस सेठ के नाम लिख दिया। कर दो दस्तखत, कोई घबराने की बात। भीनी हवा
इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई आप मेरे साथ आइए। सर पर घाव बहुत गहरा नहीं आया है रविंद्रलाल जी, लेकिन डर है कि कहीं आंखों को नुकसान न पहुंचे। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? पूरा पता तो उस वक्त चलेगा जब 3 दिन के बाद आंखों की पट्टी खुलेगी। 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद तो उस बेचारी की शादी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मीना की आंखें बचा लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, आपका घर घर जाना ठहरा, लड़की की जात है, ब्याह शादी के मामले बड़े टेढ़े होते, बात अपनी तक रखिए। मैं समझता हूँ, आप इत्मीनान रखिए। देखो शीला, इसमें रोने धोने की क्या बात है, मैं बरसों के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारा साथ चलूंगी। तुम चलोगी मेरे साथ इस तरह? पहले मेरे पिताजी आएंगे, तुम्हें देखेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे गहने बनाए जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाएंगे, और फिर मैं दूल्हा बन के आऊंगा और अपनी दुल्हन को डोली में बिठा के ले जाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। अरे बाप रे, ये तुम्हारा कैसा कानून है? तुम मेरी तरफ देख सकती हो और मैं तुम्हारी तरफ नहीं, नहीं। अच्छा सुनो, शादी के बाद तो देख सकता हूं ना, तो फिर इसी बात पर जरा हंस दो। आ आ आ, ये बात हुई ना। देखो शीला, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया है, मैं जाता हूं। हाँ, मीना को अभी थोड़ी देर में लगन मंडप में जाना है, पट्टी तो खोल सकते हैं ना? हाँ हाँ,
देखिए रविंदर लाल जी आएंगे तो उनको मेरे पास भेज दीजिएगा। कुलदीप बच्चे डॉक्टर साहब, कैसी मीना की आंखें? आइए भैया, मीना कहाँ है, कैसी है? बेटा तुम अंदर उसके पास बैठो, हम अभी आते। शेखर भैया। मीना भैया, ये तुम्हें क्या हो गया? मीना कुछ नहीं भैया, महेश भैया आए हैं। मीना, महेश भैया। मीना अच्छी तो हो ना बहन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये देखो। ये कंगन बहन तेरा क्यों है? ये खिड़की किसने बंद कर दी? खिड़की खोलो। खिड़की तो खुली है मीना। फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? बंद करो ये शोर। राजेंद्र, राजेंद्र होश में आओ। अंधी बहन को क्या सारी उम्र घर में बैठा के रखोगे? और अभी लड़के वालों को पता ही कहाँ है। हम लोगों का ब्याह शादी तो जुआ होता है, खोटा पैसा जुए में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? चाचा जी, मेरी बहन खोटा पैसा नहीं है। ये सच है, मेरी बहन की आंखें जा चुकी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए आपको दिल के घाव दिखाने आया, आपसे दया की भीख मांगने आया। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने सच सच बता दिया। अब आप ही बताइए इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, हाथ में डूबने से बचा सकते हैं। मेरी बहन के हाथों में मेहंदी लग चुकी है, हमारे खानदान की इज्जत और आबरू सब आपके हाथ में। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन जानबूझकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता। आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी एक अंधी लड़की से कर दूं? दया कीजिए, दया कीजिए। हमारी छोटी सी दुनिया मीना ही से शुरू होती है और मीना ही बेकार होती है। अगर शादी न हुई तो हमारे घर में कोई शादी न हो, हमारा खानदान यही खत्म हो जाए। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे भी अपनी खानदान का ख्याल है। एक अच्छे भले लड़के के गले में एक अंधी लड़की बांध दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बाप हूँ, कसाई नहीं। उठो भाइयों। लेकिन पिताजी, वो जन्म से अंधी तो नहीं है, हो सकता है उसकी आंखें वापस आ जाए। चुप चुप जियो भैया, तुम देवता, तुम देवता। पिताजी एक बार फिर सोच लीजिए। चुप रहो, मैंने सब कुछ सोच लिया है, मुझे अंधी बहू घर में नहीं लानी है। उठो भाइयों, बारात वापस जाएगी। सुनो पिताजी, बाबूजी ने आपके आगे हाथ जोड़ा, मेरी प्रार्थना ने ठुकराई वरना तबाह हो। मीना की ऊपर की आंखें जा चुकी है, पर दिल की आंखों से वो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ समझ सकती है। यकीन मानिए, वो जिस घर में जाएगी उसी को स्वर्ग बना। मुझे मजबूर रखिए बाबूजी, 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 बाबूजी। क्या है मीना? तुमसे एक भीख मांगने आई हूँ भैया। शेखर भैया और शोभा का ब्याह होने दो। वो अब कैसे हो सकता है मीना? क्यों नहीं हो सकता भैया? मैं नहीं चाहती मेरे साथ उनके अनुमान भी खुद से मर जाए। मुझे भी तो चाहो भैया की बारात निकलेगी, मेरे दिल की मुरादें पूरी होंगी, भाभी घर आएगी तो मैं समझूंगी मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। मान जाओ भैया, मान जाओ। ठीक है
ठीक। शोभा मां को प्रणाम करो। जीती रहो, सौभाग्यवती रहो। ये लो घर की चाबियां, आज से तुम इस घर की मालिकन हो। पर हां एक बात का ध्यान रखना, तुम यहां सिर्फ दुल्हन बनकर नहीं आई हो, तुम्हें हमारी मीना की मां भी बनना है। इस घर के साथ साथ मैं तुम्हें मीना भी सौंप रहा हूं। क्यों, मैं ना देखूं भाभी को? कितनी सुंदर है मेरी भाभी। देखा शेखर भैया, तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन चुनी है मैंने। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा महेश आपके पास से 1000 रुपए लाया। जी हाँ, आपका बेटा महेश मेरे पास से 1000 रुपया लाया है। तो कान खोल कर सुन लीजिए, आपका बेटा गणेश मेरे पास से 2000 रुपए ले गया। ये झूठ है। ये भी झूठ है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपका बेटा मान जाए तो 2000 रुपए दूंगा। दे दीजिए पिताजी, दे दीजिए ना। मैं इनसे 1000 रुपए लाया था। क्या किया 1000 रुपए का? वो पिताजी बड़े भैया को जरूरत थी और मैं उन्हें दे आया। बड़े भैया के बाप का माल था जो तुमसे दे आया? पिताजी बड़े भैया के बाप का माल तो था ही, ये आपको भी मालूम है। निकालो लाला 1000 रुपया, अब तो बेटे ने कह दिया। ज्यादा उल्लू मत बनाओ। बेटे ने कह दिया, मैंने दे दिए और तुमने ले लिए। भलाई इसी में है कि इज्जत के साथ घर चले जाओ। लाला मिनट नहीं पलट के। खैर मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन याद रखना तुमने भगवान के सामने झूठ बोला है, जो कुछ है सभी चला जाएगा। हे बाल गोविंद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे ऐसी नजरों से देख रहा है? ये तो धंधा ही ऐसा है, झूठ बोलना ही पड़ता है। चंचल, ये क्या सोने का वक्त है? उठो चंचल। क्या है? देखो चंचल, अभी तो घर में कोई नहीं सोया और घर का सारा काम वैसा ही पड़ा है। तुम्हें मालूम नहीं, शेखर भैया रात को दूध पीते हैं, बड़े भैया के सिरहाने पानी की सुराई रखी जाती है। उठती हो कि पानी छिड़कूं? उठती हूँ बाबा, उठती हूँ। अच्छा अच्छा, कौन कहता है ये अंधी है? चंचल बहुत जल्दी उठ गई आज। चंचल नहीं मैं हूँ। ये क्या भाभी, अभी शादी की चूड़ियां मैली नहीं हुई कि तुमने झाड़ू उठा ली? तुम्हारे पिताजी देख ले तो क्या कहें? देख ले तो जरूर आशीर्वाद दूं। लो मुझे दे दो। क्यों, ये मेरा काम नहीं है? जिसका काम है भाभी वो तो मजे से खर्राटे भर रही होगी। उठो महारानी, दोपहर हो गई। चंचल, चंचल मैं बहरी नहीं हूँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। तुम्हें जगा दिया, कुछ बुरा किया? देखो वो तुम्हारी मालकिन खुद झाड़ू देने लगी है। देखा? हाँ देखा, मैं कोई अंधी नहीं। चंचल तेरी ये मजाक, निकल जा यहाँ से। मैंने क्या कहा है? बहुत कुछ कहा है, निकल अभी। लेकिन मेरे भी तो कुछ सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दूर हो जा मेरी नजरों से। चल निकल यहाँ से। तू गई नहीं अभी तक? मैं तो चाह ही रही हूँ। पर इतना सुन लो, जिस मीना के लिए आज तुम मुझे निकाल रही हो, एक दिन वही मीना तुम्हें टिगनी का नाच नचाएगी। यह मीना ही सब कुछ है, वो खुद दुखी है, तुम्हें कभी सुखी नहीं देख सकती। मेरी मानो तो दूल्हा भैया को लेके मैके चली जाओ।
अभी तक सोए नहीं। तुम्हारा इंतजार जो कर रहा है। जल्दी आ जाती लेकिन घर का सारा कामकाज वैसे ही पड़ा था। यहाँ तुम्हें कितना काम करना पड़ता है शोभा। इन हाथों को ही देख लो, ये फूल जैसे हाथ कैसे खुरदरे हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तो मेरा धर्म है। फिर मीना भी तो है, बेचारी किस्मत की सताई हुई बिन माँ बाप की बेटी। ऐसा ना कहो शेखर, जेठ जी ने मीना को मुझे सौंपा है, मैं हूँ उसकी माँ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ शोभा। क्यों साहबजादे कहाँ चले? पिताजी बात यह है कि वो कल मेरा स्कूल खुल रहा है इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए सारे स्कूल बंद। जितना पैसा मैंने तुम्हारी पढ़ाई में बर्बाद किया है ना, इतने में तो मैं घर का स्कूल खोल लेता। 300 विद्यार्थी पढ़ते और 3,000 रुपए फीस के आते। और एक तुम ये अड़ियल टट्टू की तरह 5 साल से मैट्रिक में फेल हो रहे हो, है कुछ इसका जवाब? पिताजी अगर बुनियाद मजबूत न होगी तो इमारत कैसे मजबूत होगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी पढ़ाई की बुनियाद को मजबूत कर रहा हूँ हर साल फेल होकर। हाँ। देखो बेटा, जैसे जैसे तुम अपनी पढ़ाई की बुनियाद को मजबूत कर रहे हो ना, वैसे वैसे मेरी तिजोरी की बुनियाद को कमजोर कर रहा हूँ। मैं बाज आया, मुझे नहीं पढ़ा। पिताजी मिस्टर महेश यही रहते? हाँ यही रहते। आपकी तारीफ? पिताजी ये मेरे दोस्त हैं। ठहरे कहाँ हैं? डाक बंगले में? जी नहीं, अपने बंगले में ठहरेगा ना, चल लो। पर भाई इनके भोजन का क्या होगा? पिताजी ये तो भोजन तो नहीं, हवा खाती है ना। खाती है? खाता है। हाँ हाँ, पर देख हवा ही खाए, खाना ना खाने पाए। अबे आपका क्या दुखिया के बच्चे? मालिक कितनी बार कहा कि मेरा नाम दुखिया नहीं। दुखिया है, जा जा अपना काम। शोभा मुझे भी खाना दे दो, बहुत भूख लगी। जी जाओ जाओ, वो अच्छा खाना बना। आज मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर खीर बनाई है, तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? अपने हाथ से खिलाओगी तो खाएंगे। कैसी बातें करते हो, को देख ले तो। ब्याह के लाए हैं, भगा के नहीं। तुम्हारे सामने तो हमेशा हार है। बहू दही दे जाना। भाभी आज मुझे खाना नहीं दिया। ये क्या बहू, मीना को तो सबसे पहले देना चाहिए। अभी देती हूँ। भैया मीना के बारे में क्या कह रहे थे? जेठ जी बाहर से आते ही खाने के लिए बैठ गए, उधर तुमने आके कहा कि बहुत भूख लगी है, इसी गड़बड़ में मीना को खाना देना भूल गई। मैं भी क्या करूं, आखिर इंसान हूं, मेरे भी दो हाथ हैं। और दो हाथों के साथ तुम्हारी गजबर जुबान भी है। कई बार कह चुका हूं कि इस घर में हर चीज मीना को पहले मिलनी चाहिए। मिलती तो है। तो फिर आज क्यों नहीं मिली? भूल हो गई। खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं। एक दिन वही मीना तुम्हें तिगनी का नाच नचाएगी। यह मीना ही सब कुछ है, वो खुद दुखी है, तुम्हें कभी सुखी नहीं देख सकती। मेरी मानो तो दूल्हा भैया को लेकर लेके चली जाओ। सुखिया ये मुंह अंधेरे पिताजी कहाँ चले गए भाई? 10-12 महीने गांव में गए हैं एक लंबा चौड़ा सौदा करने के लिए। कहते थे 30-40 हजार का मामला है। वो तांगा लेकर नहीं गए? मालिक और तांगा बाबूजी, ताना आराम के लिए नहीं, कमाई के लिए है। रोज के 3 रुपए खड़े हो जाते हैं। 3 रुपए ना? हाँ। तो एक काम कर, ये ले 2 रुपए, 1 रुपए मैं तुझे शाम को दूंगा। हाँ। तू घर में बैठ के आराम कर, ये ला मुझे दे। और तुम तांगा लेकर क्या करोगे? मैं? हाँ? मैं तांगा लेकर सैर करूंगा और ये ताजा हवा खाऊंगा। अच्छा, हवा खाने के लिए जा रहे हो? और वो तुम्हारे हवा खाने वाले दोस्त, उनको नहीं हवा खिलाओगे? अरे हाँ, उस बेचारी की तो तबीयत बड़ी खराब है ना। हाँ? तू उनका बराबर ख्याल रखना और अभी जाके गरम गरम एक गिलास दूध पिला के। हाँ, गरम गरम पिला। तुम जाओ। हाँ, तू जा ना। हाँ, तुम जाओ। जाता के ना। हाँ, हाँ, हाँ।
मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शोक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। प्यार का राही दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर, तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हम सफर, अब तेरे मेरे एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हम सफर, अब तेरे मेरे एक डगर, अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शोक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। जो आज है कभी न था, ये चमन पे उजला निखार, जो आज है वो कभी न था, ये चमन पे उजला निखार। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार, जो खिला है बन के बहार। प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। ये क्या किया तूने? वो तुम्हारा हवा खाने वाला दोस्त था ना, उसको हमेशा के लिए हवा खाने के लिए भेज दिया। ऊपर से ये ले, हम लोगों के लिए ऊपर चाय ले। अच्छा चलो। पिताजी अभी तक नहीं आए? आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। तुम इतना ही करना, जब पिताजी आए तो आंचल ओढ़कर खूब झुककर नमस्कार करना, इस तरह। बताओ कैसे करूं, जल्दी बताओ। जीती रहो, सदा स्वागत रहो। दुखिया, 100 बार कहा कि मेरा नाम दुखिया नहीं सुखिया है। देखो पिताजी आ गए, मैंने जो जो बताया सब याद है ना। अभी नहीं, अभी तुम वहां जाकर छुप जाओ, जब मैं पुकारूंगा तब आ जाना। अरे ये क्या, तूने उस लड़के के कपड़े पहन लिए? वो जाते वक्त खुश होकर कपड़े मुझको देख के चला गया। चलो अच्छा हुआ, तू कह भी रहा था कि तुझे नए कपड़े चाहिए। मेरा नौकर, आइए लड़का ऊपर होगा। बाबूजी आप यही ठहरिए, मैं उनको भेज देता हूँ, आप यही ठहरिए। अरे ये तो हमारे समधी है। बाबूजी मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुनो तो। बाबूजी मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुनो। क्या हुआ है तुझे, कुछ पागल हो गया? पागल? पागल मैं पागल? वो पागल कौन पागल? लाइए
जी। जीते रहो जीते रहो। अरे अशरफी लाल जी के पैर छुआ पैर। जीते रहो बेटे। दे, ये तेरे शगुन की थैली दी है इन्होंने। पिताजी शगुन के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ तो ये तेरे बाप के नौकर थे जो खुद यहाँ, माफ करिएगा, जो खुद यहाँ चले आते। जी नहीं पिताजी, मेरा मतलब ये था बहू तो घर में मौजूद है। घर में? इसकी तो मजाक करने की आदत है। अच्छा ये मजाक नहीं है अशरफी लाल जी। शीला राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अजी ये तो लड़का थी। ज्यादा नाटक मत खेलिए, आपको दिख नहीं रहा ये क्या है? तेरा सत्यानाश हो अशरफियों के कोयले का दिए। अशरफी लाल जी, अशरफी लाल जी। मालिक वो तो चले गए। चले गए? देखा 30,000 रुपए पर पानी फिर गया। अब कौन देगा 30,000 रुपए? इस लड़की का बाप? पिताजी शीला का बाप तो है नहीं, वो बेचारी तो अनाथ। तो मेरा घर ना हुआ अनाथ आश्रम हो गया, इसीलिए आप ये पीतल की मूर्ति मेरे घर में उठा रहे। पिताजी शीला पीतल की मूर्ति नहीं, सोने की मूर्ति है। और पिताजी मैं शीला से मोहब्बत करता हूँ। लायक बाप के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? पिताजी सच बात बोलने में शर्म कैसी? पिताजी आप तो झूठ बोलते हुए भी नहीं शर्माते। मेरी और बात है, मैं व्यापारी। तो मेरी भी और बात है पिताजी, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। फर्क इतना है कि आप दौलत से मोहब्बत करते हैं और मैं इंसान से। बेटा बाप के बाद में कितना भी फुदक लो, जिस दिन अपनी कमाई करोगे पता चल जाएगा। अभी हाथ खींच लो तो दाल आटे का भाव पता चल जाए। तो पिताजी ये भी आजमा के देख लीजिए ना, मैं मोहब्बत के लिए दौलत तो क्या अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ कुछ भी हो, ये रास्ते की भिखारिन मेरे घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। और पिताजी मैं बना के दिखा दूंगा। ऐसा क्या तकलीफ है मिस्टर सुखिया? इस लड़की ने मेरे लड़के का तो क्या, मेरे नौकर का भी नक्शा बदल दिया। ये क्या कर रही? शोभा कहाँ है? अपने कमरे में सर दर्द से पड़ी है बेचारी, जाके देखो ना भैया। शोभा सर में दर्द है क्या? गोली खाई? गोली खाने से सर का दर्द तो ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है उसका क्या इलाज करूं? यहाँ तुम्हें क्या दुख है? एक दुख हो तो बताऊं भी, सुबह से शाम हो जाती है और शाम से आधी रात, और मैं नौकरानी की तरह दिन रात काम में जुटी रहती हूँ। लेकिन मजाल है किसी के मुंह से तारीफ का एक लफ्ज भी निकले। मैं जो तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम्हारे तारीफ करने से क्या होता है, घर में दूसरे लोग भी तो हैं, जैसे कि मीना। मीना ने कुछ कहा तुमसे? शेखर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। शेखर मेरी एक बात मानो, हम शहर चले चले, तुम वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। ये नहीं हो सकता शोभा, मीना और भैया को हम नहीं छोड़ सकते। महारानी जी ये चुटकी भर आटा पीसने में दोपहर कर दी, बाकी काम कब करोगी? कल? अभी करती हूँ भाभी, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। क्यों? मैं कल वापस आ जाऊंगा।
मुझे डर लगता है। ओहो, तुमसे कितनी बार कहा, पिताजी ऊपर से जितने गर्म है अंदर से उतने ही नरम है। जा, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है। लो बन गया काम, मिल गया अलादीन का किराया। देखो शीला, पिताजी तुमसे कुछ भी कहें तुम सिर्फ इतना ही कहना, मुझे मालूम है। कर रहे क्या कहोगी? मुझे मालूम है। वो कई बार बात उल्टी करते हैं लेकिन मतलब सीधा होता है। मुझे मालूम है। शाबाश, हो सकता है वो तुम्हारे हाथ का खाना भी ना खाए। मैं खिला के रहूंगी। वेरी गुड, मुमकिन है वो तुम्हें बुरा भला कहे। मैं सुन लूंगी मगर हंस दूंगी। और कहोगी क्या? मुझे मालूम है। एक्सलेंट। और सुनो, जो नहीं मालूम है वो सुखिया से पूछ लेना। देख रहे सुखिया, तू शीला जी हर बात में मदद करना। बन गया का तना। देखो मुझे मालूम है। हाँ। जरा चेक के देखो हलवा कैसा बना है। बहुत अच्छा बना बहू। दुखिया, ओ दुखिया। मिस्टर सुखिया। मिस्टर के बच्चे, क्या खा रहा था रसोई घर में? मैं भी तो कहूँ, घर का सारा घी जाता कहाँ है? मैं कहाँ खा रहा था, मैं तो सिर्फ चख रहा था मालिक। क्या हलवा बना है? हलवा? हाँ। हकीम ने कहा था हलवा बनाने को, क्यों बनाया हलवा? मैंने कहाँ बनाया, हलवा तो बहू ने बनाया है। बहू? कौन सी बहू? वही अपनी शीला बीवी। हाँ, क्या सुशील लड़की है वो, दिखा रही किस तरह सिमट के चलती है। किस तरह झुक के प्रणाम करती है। बस बस बस, रहने दो, ये क्या कर रही? आपकी सेवा। सेवा भगवान की करो, मैं कुछ अच्छा आदमी नहीं। मुझे मालूम है, आप हाथ पैर धो लीजिए, रसोई तैयार है। क्यों बे, क्यों जाने दिया उसे रसोई में, रोका क्यों? मैं कैसे रोकता मालिक, मैं ठहरा घर का नौकर, वो ठहरी घर की बहू। किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि वो घर की बहू है? छोटे बाबू ने। वो आ रही है। पिताजी जूते उतारिए, मैं पांव धो दूं। मैं खुद धो लूंगा, पर देखो कान खोल कर सुन लो, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। जी मुझे मालूम है। फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरा लड़का नाकारा है, मालूम है, आवारा है, बदमाश है, मालूम। मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया। और क्या क्या बता दिया? मुझे उन्होंने ये भी बताया है कि आप कई बार बात उल्टी करते हैं लेकिन मतलब सीधा होता है। हाँ, मैं पागल जी हूँ, मालूम है। और ये भी बताया है कि आप ऊपर से गर्म है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। मेरा लड़का झूठा है, वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे रहा है। मुझे मालूम है। मालूम है तो जाओ, मुझे इस घर में नहीं खाना, बाहर खा लूंगा। पिताजी मेरे होते हुए आप बाहर खाएंगे? सुखिया, मुझे नहीं खा, देखो मेरे से ऐसी जाती। सुखिया के बच्चे, कौन सुखिया? मालिक देखो मैं, मालिक देखो भाई, मैं तुम्हें सुखिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं धुलवाना चाहता पाऊँ, मुझे नहीं धुलवाने पाऊँ। मालिक हलवा बहुत अच्छा बनाया है। हाँ हलवा, मुझे नहीं खाना। देखो भाई, एक बार मैंने कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। मालिक, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या बेहुदा है मालिक, दुनिया के बच्चे में तेरी हंसी बनती है। तुम्हारा ये रोना कभी बंद भी होगा मीना, जब देखो माँ की तस्वीर के सामने टसले बहाए जा रहे हैं। मैं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं रुकती भाभी, दिल भर आता है तो माँ के सामने आके दो आंसू बहा दे, मगर देखने वाले तो यही कहते हैं ना मैं तुम्हें नोचती हूँ। तुम तो हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो भाभी। हाँ हाँ, अब यही सुना मुझे, मैं उल्टी पैदा हुई हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा भाभी, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, मुझसे कितना प्यार करती थी, और अब जैसे काटती हूँ तुम्हें। काटती तो नहीं हो पर तुम्हारी हर बात में तीर कटार की चुभन होती है। हाँ हाँ, कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी कह डालो, मेरी बातें तीर कटार की तरह चुभती है, मैं उल्टी पैदा हुई हूँ, ये सब तो कह ही लिया तुमने। शोभा, ये क्या होगा, सारा घर सर पे उठा रखा है। बस तुम्हारी कसर थी, तुम्हारी बहन ने जो कुछ नहीं कहा वो तुम कह लो, कह लो कि मैं डायन हूँ, चंदाली हूँ। मैंने ये सब तो नहीं कहा। तो क्या तुम्हारी भाभी पागल हो गई है? हुई नहीं, लेकिन एक दिन हो जाऊंगी। वो बिना
नाम दिया मेरी सेवा का मीना, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हें शर्म नहीं आती मीना, अभी क्यों लड़ती हो? वो तुम्हें बेटी की तरह चाहती है, तुम ये भी भूल जाती हो कि वो किस घर से आई है और हम लोगों के लिए क्या बन गई। भैया कुछ मेरी बेटी ने सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। माँ गौरी जी ना, क्या हुआ? मत रो मीना, मत मैं रोते हुए नहीं देख सकता, जानती। तो वो भाभी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा, माँ याद आ गई। पंच रोज भी रोना धोना वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि हम शहर चले चले पिताजी के पास, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, पल भर के लिए मेरी आंखों में खून उतर आया और मैं आपे से बाहर हो गया। तुम तो जानते हो मैं मीना से कितना प्यार करता हूं। बहू तुम भी माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसी हरकत ना होगी। अपने भाई को माफ नहीं करोगे शेखर? झगड़े तो वही करते हैं, उन्हें दिल से नहीं लगाया करते। हम ये राखी बांध आ मेरे पास। Yeah.
अब जा और अपने शेखर भैया को भी राखी बांध दे। क्या है? राखी बांधी है। मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, ये तो बहन की एक प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया। होता है तो होने दो। भैया शेखर भैया जा रहे हैं, उन्हें रोको भैया, रोको। कहाँ जा रहे हैं शेखर? कहीं भी जो आपको क्या, ये फैसला तुम्हारा है या बहू का? किसी का भी है, लेकिन ये फैसला बदला नहीं जा सकता। चुकाई तुमने प्यार की कीमत शेखर, उन रातों की कीमत जो मैंने आंखों में गुजारी है, उन दिनों की कीमत जो बैल की तरह चितरा ताकि तुम कुछ बन सको, कहीं पहुंच सको, कुछ कर सको। आज तुमने वो सब कुछ खो दिया है, भाई की मोहब्बत, बहन का प्यार। मुझे जाने दीजिए, गाड़ी का वक्त हो रहा है। शेखर मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाता हूँ, ना जाओ शेखर, ना जाओ। बहू, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरे भाई को मुझसे अलग ना। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? एक पत्थर से उम्मीद करते हैं कि मोम हो जाए? मैं तो पहले ही जानता था भाभी एक दिन रंग दिखा के रहेगी। महेश, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं, जोरू के गुलाम। आज तो मेरा भी उठ सकता है शेखर। चलो शेखर भैया, रुक जाओ शेखर भैया, राखी तो बनवा के जा। देखो तुम नाटक में काम करती हो ना, ये नाटक ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सच्चा लगे। जैसे भी हुई इस लड़की को यहाँ से भगा जाए। आप बेफिक्र रहिए। तो फिर शुरू हो जाओ। यही मोहल्ला है, यही घर है और तुम उसके बाप हो। भगवान, जरा धीरे बोलो, क्यों सारे मोहल्ले को सुना रही हो? मैं सारे गांव को सुनाऊंगी। वो मुझे चश्मा दे के आया, कहता था मैं तुझसे शादी करूंगा। ये देखो अंगूठी, पहचानी? हाँ हाँ, अंगूठी तो उसी की है, पर वो तो सभी को चश्मा देता है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? तुम बोलो क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ अपना वचन पूरा करे, मुझसे शादी करे, मेरी मांग में सिंदूर भरे। जरा सोचो, वो किस किस की मांग में सिंदूर भरेगा? वो तो कहता था मैं पहली लड़की हूँ। वो तो सभी से यही कहता है, इस लड़की को भी यही कहकर लाया था। बिल्कुल राजा इंद्र बना हुआ, एक परी वहाँ तो एक परी यहाँ। शुरू हो तो तुम ही हो जो मेरे साथ बन के आई हो, मेरे दिल में छुरियां चलाने, मेरा बताओ संसार उजाड़ने। मेरे घर को अखाड़ा मत बनाओ। मुझे तुम दोनों से ही हमदर्दी है, शांति से बैठ जाओ, लड़के के आते ही फैसला हो जाएगा, थोड़ा इंतजार और कर। मैं इस नरक में एक मिनट भी नहीं ठहरूंगी। पर महेश आए तो क्या कहूँ? कहिए किला चली गई, किला मर गई। लो लाला, तुम्हारा काम तो हो गया, अब जल्दी से मेरा काम करो ताकि मैं चलती बनूं। अच्छा ये ले, चल। बस 5 रुपए? 150 रुपया महीना तो मुझे नाटक में मिलता है। देख, मुझसे हिसाब करेगी तो घाटे में रहेगी। महीने भर का 150 और एक दिन के 5 रुपए, और घंटा भर के काम के तो 5-6 आने भी नहीं बनते। ये तो मैं बेवकूफी में ज्यादा दे गया। बड़े कंजूस हो लाला। मैं तो समझा था कोई नई बात कहेगी। मेरा मुंह क्या देखती हूँ, वहां चलो ना। पिताजी, पिताजी आप इस लड़की को पहचानते? मैं किसी लड़की वड़की को नहीं पहचानता। हाँ, आप क्यों पहचानने लगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या मिला 2 दिनों का खून करके? 5 रुपए? 5 रुपए के लिए तुमने इतना नीच काम किया? मुझसे क्या पूछते, अपने बाप से पूछो। इसका बाप जिंदा हो तो पूछे। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? देखो बेटा, जो कुछ मैंने किया तुम्हारी भलाई के लिए, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। तब असर फिलहाल 30,000 दे रहा था, अब 20,000 दे देगा। आपके लिए दौलत ही सब कुछ है, औलाद कुछ नहीं। तुम्हें अभी दुनिया का तजुर्बा नहीं है, मान जाओ मेरी बात,
वरना पाई भी पल्ले नहीं पड़ेगी। मुझे चाहिए भी नहीं पिताजी, न मुझे आपकी दौलत चाहिए न जायदाद। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। बाबूजी, गुस्सा छूट दो, खाना खा लो। नहीं सुखिया, अब इस घर का पानी भी मेरे लिए हराम है। मैं कहीं भी मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन इस पाप के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। बेटा, मेहनत मजदूरी करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। चार ही दिन में घर वापस न आ जाओ तो मेरे मुंह पे थूक देना। मैं मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगा। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो अब भी आपसे ये कहता हूँ कि ये पाप और झूठी कमाई बंद कीजिए। गरीबों की आहों से डरिए, भगवान से डरिए। शेखर बाबू, वापस आ। यही बाजार तक जा रहा हूँ, एक बड़ा जरूरी काम निकल आया। मुझे काम भी मालूम है और बाजार भी। मैं ये भी जानती हूँ कि आज शनिचर है और शनिचर के दिन रेस होती है। होती होगी मेरी बला से। मेरा और ही मतलब था पिताजी, मैंने सोचा कि आप अपने साथ शेखर को भी ले जाएं तो बहुत अच्छा हो, उनका दिल भी बहल जाएगा। ले जाइएगा। अब तुम कह रही हो तो जाना ही पड़ेगा, वरना अपनी तबीयत तो नहीं थी आज जाने। अच्छा पिताजी, मैं अभी शेखर को लेकर आती हूँ। डालिए। मर्दों का नहीं, लव मैं करती हूँ। एक दिन की बात नहीं है शोधा, सारी जिंदगी का किस्सा। सारी जिंदगी भी कर सकती हूँ, यही तो मैं आज तुमसे कहने आई हूँ कि मेरी तब्दीली हो गई है। सोचती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दूँ। नौकरी छोड़कर क्या करूँ? जो अब कर रही हूँ, तुम्हारी सेवा, मीना की देखभाल। शोभा भी यही कहती थी, लेकिन मैं मीना की जिंदगी से नहीं खेल सकता। मेरी खातिर कुछ ना छोड़ेगी शोभा। और फिर मेरे पास तुम्हारे लिए है ही क्या? एक छोटा सा घर है, वो भी सबकार के पास गिरवी पड़ा हुआ। एक बहन है, भगवान के दर की मारी हुई। एक दिल है, हरा हुआ। पूछा भैया पानी लाया। मीना, मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा है। मुझे कभी याद भी करोगे? जरूर करूंगा, इतना ही तो कर सकता हूं। जब देखो हाथ में राखी और आंखों में आंसू। क्या करूं भैया, आज शेखर भैया बहुत याद आ रहे हैं। याद तो मुझे भी आता है, लेकिन तेरे रोने सोने से वापस थोड़े आ जाए। उठ, उठ पानी।
काम पर नहीं जाओगे? तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ भला? मुझे क्या हुआ है? यही तो दुख है कि मुझे भागल तो कुछ नहीं होता। कैसी बातें कर रही है मीना? अगर तुझे कुछ हो गया तो जानती मेरा क्या होगा? पागल हो जाऊंगा, एकदम पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। चलना है बाबू? चलना तो है मेरे भाई, कहां ले चलोगे? जहां चलो। देख भाई, अपने पास ये एकलौती एक चवन्नी है। अच्छा। और अपने को उस नाके पर जाना है। आओ चलो बैठो। लेकिन एक शर्त होगी। वो क्या? वो ये कि तुम रिक्शा में बैठोगे और मैं रिक्शा चलाऊंगा। अरे क्या कह रहे बाबू, ये कैसे होगा? अरे कैसे नहीं, 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 नहीं। अरे होगा। नहीं, नहीं। अरे बैठना ही पड़ेगा। बाबू क्या कर रहे हैं? ये लो भाई, नाका आ गया, ये लो। ये अच्छा रहा, पसीने में तुम डूबे, चौनी हमने कमाई, तुम्हें क्या मिला? मुझे तजुर्बा मिला मेरे भाई। एक काम करोगे मेरा? हुक्म करो बाबू। मुझे भी एक ऐसी रिक्शा दिला दो ना। तुम रिक्शा चलाओगे? क्यों क्यों, तुम क्यों चलाते हो भाई? एक चीज खातिर। तुम मेरा भी पेट है ना। अच्छा अच्छा, चलो बैठो। रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर, ये दो टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला। मुझको बुलाए, मुझको बुलाए, क्या करूं दिल उसे भूल न पाए, भूल न पाए। मैं रिश्ते जोड़ूं दिल के, मुझे ही मंजिल पे कोई न पहुंचाए, कोई न पहुंचाए। मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर, ये दो टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला। अपनी उड़ान, अपनी उड़ान, अब ये धूल ये सड़क, अपना जहान, अपना जहान। जो कोई देखे चौंके, ऊपर वाला भी सोचे, ये कैसा इंसान, ये कैसा इंसान। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर, ये दो टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला।
सवाल एक सवाल, रोटियां कम है क्यों, क्यों है अकाल, क्यों है अकाल, क्यों दुनिया में कमी है, ये चोरी किसने की है, कहाँ है सारा माल, कहाँ है सारा माल। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला, है चार के बराबर ये दो टांग वाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला। अचानक खराब हो गई थी। देखिए, आपके पिताजी दिल के बीमार हैं। मैं उन्हें कई बार समझा चुका हूँ, ये रेस उनके लिए अच्छी नहीं। खैर, जिस तरह बन पड़े पलंग से न उठने दीजिए, कम से कम 6 हफ्ता मुकम्मल आराम चाहिए। जी, बहुत अच्छा। पिताजी, मैं तो हमेशा कहती थी कि रेस पर मत जाइए, मत जाइए। रुपया अलग बर्बाद हुआ और बीमारी भी मोल ली। रो मत बेटी, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब कभी रेस न जाऊंगा। मेरे अच्छे पिताजी। कौन है? जी पिताजी, आज रेस है बेटा, मगर डॉक्टर ने तो आपको मना किया है। पिताजी, डॉक्टर ने रेस जाने के लिए मना किया है, खेलने के लिए नहीं। आज एक घोड़ा दौड़ रहा है, दिल की बात, एक मुद्दत से मैंने इस घोड़े को तार रखा था। ये 10,000 रुपए उस पर खेल देना। 10,000? आज तक बोलो, शोभा सुन लेगी। जाओ बेटा जाओ, वक्त हो गया, रेस 2 बजे शुरू हो जाती है और अपना घोड़ा तो पहले ही रेस में दौड़ रहा है। अच्छा बेटा जाओ। हेलो हेलो, रेस क्लब? यस, रेस क्लब। पहली रेस में दिल की बात जीती ना? नहीं नहीं, जो वाणी की हवा। जो वाणी की हवा, कैसे जा सकता हूँ? अब तो तू ये भी जानती, शोभा और शेखर यहाँ से किस तरह गए? किसी तरह भी गए हैं। मेरा मन तो बहुत भटकता है शेखर भैया को मिलने के लिए। जब से राखी ठुकरा के गए हैं, एक पल चैन नहीं। अच्छा, तो चिंता न कर, नहीं तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों राजेंद्र लाल, आज तुम फिर देर से आए? क्या करूं मैनेजर साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है। अब तुम ऐसा करो, घर ही में बैठो और खूब दिल भर कर अपनी बीमार बहन की देखभाल करो। अकाउंटेंट साहब, इसका हिसाब कर दीजिए। मैनेजर साहब, आप तो जानते मैं कितना गरीब आदमी हूँ, सिर्फ ये नौकरी है सहारा है मेरा। मैं मजबूर हूँ। मैनेजर साहब, ए
ये रिक्शा। आया मेम साहब। शीला। कौन शीला? तुम शीला। और कौन शीला? अरे तुमने ये लिबास क्या पहन रखा? शीला लिबास? तुम क्या बोलता है मैं? तो तुम मेरी शीला नहीं हो? हाँ, मेरा नाम मिस मैरी है। कमाल है, वही चेहरा, वही नाक नक्शा। तुम बात बंद करो और सीधे माफी के रिक्शे चलाओ। चलो। अच्छा मेरे साथ। रोड उधर है, तुम इधर काहे को देखता है? हम उधर ही देखता मेरे साथ। मालूम मेम साहब, मालूम। नहीं मेम साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा। क्यों? मैं समझूंगा मेरी खोई हुई शीला मुझे मिल गई और मैं उसे रिक्शा में बिठाकर वहां से यहां ले आया। ए शीला कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं मेम साहब, थी। पिताजी ने उसे मेरे खिलाफ बहका दिया और वो कहीं चली गई। तुम उसको ढूंढा? नहीं, बहुत ढूंढा। पिताजी की सारी जायदाद ठुकरा कर चला आया। अब ये रिक्शा चलाता हूँ। आपको देखते ही ऐसा लगा जैसे आप ही मेरी शीला हैं। हम शीला नहीं, हम दूसरा है, बिल्कुल दूसरा। तुम अभी तक सोई नहीं बहना? क्या करूं चंचल, वो अभी तक नहीं आए। जाने कहाँ चले गए आज? उसी मुई रेत पर गए होंगे, और कहाँ। मुझे तो दूल्हा भैया के लक्षण ठीक नजर नहीं आते। वो तो बिल्कुल तुम्हारे पिताजी के कदमों पर चलने लगे हैं। अब भी वक्त है बहना, उन्हें संभाल लो। आए गमे दौरान तेरे मैखान है नजदीक, आराम से बैठेंगे जरा। हेलो हेलो शोभा, अब तुम शराब भी पीने लगे हो? लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, आए कमबख्त तूने पी ही नहीं। शोभा आज मैंने पहली दफा पी है। पीने के बाद आंखों के सामने से पर्दे हटने लगते और अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। अकल बहुत निचले दर्जे की चीज है शोभा, अकल याददाश्त के बगैर कुछ नहीं, और याददाश्त बहुत बुरी होती है। मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा कोई भाई था, मेरी कोई बहन थी, भूल भी जाऊंगा। तुम यही चाहती थी? बोलो क्यों, तुम यही चाहती थी ना? बोलो। रिक्शा खाली है? नहीं भाई, रिक्शा खाली नहीं। मेम साहब, मेम साहब, रिक्शा? मेम साहब रिक्शा नहीं मांगता, पैसा नहीं है। मेम साहब आपसे पैसा किसने मांगा? मेम साहब आप रिक्शा में बैठिए ना। हम पैसा बगैर भी तुम्हारे रिक्शा में नहीं बैठेगा। तुम बहुत बार रिक्शा चलाता, तुम चलाता उधर है और देखता इधर है। नहीं मेम साहब, हम आइंदा इधर नहीं देखेगा, हम सीधा रिक्शा चलाएगा। मेम साहब आप बैठिए, हम कसम खाता है। अच्छा चलो। तुम फिर इधर देखता है? नहीं मेम साहब, हम नहीं देखता। मेम साहब आपसे एक बात पूछनी है। क्या है? मेम साहब आपने कभी मोहब्बत की है? लव? हम लव वाव नहीं करता, पागल नहीं है। माफ करना मेम साहब। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शोक नजर का तीर तुम्हें मारा,
दिल हुआ घायल। मेम साहब, आपने गाना कहाँ से सीखा? अपना एक फ्रेंड से। कहाँ है वो? है नहीं, था। अब कहाँ है? बेचारा दरिया में डूब के मर गया। बेचारी मर गई? हाँ। मैं भी आ रहा हूँ गाना मेम साहब। शीला महेश, शीला खूब इम्तिहान लिया तुमने मेरा, और तुम इम्तिहान में पूरे उतरे। लेकिन अब भी तुम्हारे पिताजी न माने तो? अरे तो पिताजी के पास कौन जाएगा, मैं तो दो चार रोज में अपने गांव जाऊंगा बड़े भैया के पास, और उनसे कहूंगा कि हमारी तुम्हारी शादी करा दे। तुम बहुत प्यार करते हो बड़े भैया से। हाँ शीला, बड़े भैया ही मेरे सब कुछ है, और तुम सोच भी नहीं सकती मीना कितनी खुश होगी। अरे बाप रे, खाओ ना मीना, तुम्हारी थाली कहाँ है? तुम खाओ भैया, मैं बाद में खाऊंगी। बाद में क्यों? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है चावल मीना, मैं ही राक्षस रह गया उसका। बेटा राजेंद्र, खाना खा रहे थे? हाँ बस बैठे ही था। ये कैसे आना हुआ? बेटे बड़ी मुसीबत में फंस गया। क्या हुआ? देखो ना, वो मेरे दोस्त को जिसके पास तुम्हारा मकान गिरवी था, सुबह ही सुबह आदम का बोला या तो 10,000 रुपए दे दो वरना मकान खाली कर दो। बड़ी तो से चश्म हो गई है तुम्हें। लेकिन चाचा जी, मेरा मकान तो आपके पास रहना है। वही तो भेद है बेटा, तुम्हारा मकान मेरे पास गिरमी है और मेरा मकान उसके पास गिरमी है। मैंने उसके 10,000 देने हैं और तुमने मेरे 10,000 देने। वो अगर आज दे दो तो मेरी इज्जत है। मैं कहाँ से दे दूँ चाचा जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बेटा मुझे दुख तो बहुत है, पर फिर तुम मकान खाली कर दो। सरकारी कारिंदा खुद तो बाहर खड़ा है और डिग्री देकर मुझे अंदर भेज दिया। तो आप डिग्री लेकर आए कि जानते हुए कि मेरी नौकरी चली गई, अब मीना बेचारी का ये हाल है। आपका खून इतना सफेद हो गया चाचा जी? बेटे मेरे शरीर में तो खून ही नहीं रहा जो सफेद होगा, पर हाँ मेरे उस दोस्त का खून जरूर सफेद हो गया। कौन दोस्त, कहाँ है वो? झूठ बोलने की क्या जरूरत है चाचा जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुपया आपने दिया है, मकान अपने नाम लिखवाया है, बाप दादा की इज्जत, ये तो मैं एक ढोंग था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप इतने कच्चे नहीं है कि 20,000 का माल 10,000 में किसी दोस्त के नाम लिखवा दें। मैं सब कुछ जानते हुए चुप था, सिर्फ इसलिए कि मुझे जरूरत थी, मुझे उम्मीद थी कि मैं रुपया चुका सकूंगा। उम्मीद अब भी है? देखो बेटे, उम्मीद तो जवानी का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा तो रुपया है। झगड़ा कुछ नहीं, रुपये दे दो वरना मकान खाली कर। नहीं भैया, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी भैया, नहीं। नहीं जाओगी तो निकाल दी जाओगी। आज रुपया इनका दोस्त हो गया है और हमारा दुश्मन। इन्हें और रुपया जमा कर लेने तो मीना, ये अमीर हैं, इन्हें और अमीर हो जाने। तो मेरे पास है मीना, मेरे पास सब कुछ है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और एक दिन दुनिया अपनी नजरों से देख लेगी सच्चे अमीर कौन है, हम ये। चलो
रो रही हो बहू? मुझे माफ कर दीजिए जेठ जी, मैंने आपसे आपका भाई छीना, अंधी मासूम मीना का दिल तोड़ा। तुमने कुछ भी नहीं किया बहू, ये तो हमारी अपनी तकदीर ही खराब है। नहीं जेठ जी, मैं बड़ी पापन हूँ। क्या कह रही हो बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। शेखर कहाँ है? जी वो बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। अब बैठिए। अगर हम तुम्हें यहाँ आए थे कि यहाँ भी हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ गए। शेखर भैया, मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे कुछ सुनने के लिए आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ। ये क्या कर रहे हो? खबर था चुकू से एक गिलास पीने का। मगर शेखर, शेखर शेखर मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। आप आए हैं पुराने एहसानों की कीमत मांगने, उस प्यार का हिसाब चुकाने जो आपने मुझे दिया। दुनिया में हिसाब की सिवा कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी फूल है शेखर, हमसे हिसाब हमारी तकदीर चुका रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम ठीक कहती थी शोभा, एक दिन ये जरूर भिखारी बन के हमारे दरवाजे पे आएंगे। आज ये कीमत वसूल करने आए हैं उन रातों की जो उन्होंने आंखों में मेरे लिए गुजार दी, उन दिनों की कीमत जब ये बैल की तरह जुते रहे ताकि मैं कहीं पहुंच सकूं, कुछ बन सकूं। आज मैं कहीं पहुंच गया हूं ना, कुछ बन गया हूं। भगवान करे तुम और भी तरक्की करो। मुझे अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि तुमने अब तक नहीं पूछा मीना कहां है, कैसी है। तुम उसे भी भूल गए? जी हां, मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं ये भी भूल गया हूं कि मेरी कोई बहन थी। मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। नहीं तो और क्या करते, वो मेरी तरफ बेशरम नहीं। वो समझते हैं कि मैं कुछ बन गया, कहीं पहुंच गया हूं। उनसे कोई कौन बताए कि मैं क्या बन गया हूं, जरा भी जवारी। एक ऐसा जलील इंसान जो इंसान कहलाने का हकदार है, एक ऐसा पापी जो उनके पांव पड़ने के काबिल। मीना है शेखर भैया से? क्या कहा उन्होंने? मैं जो कहती थी वही हुआ कि नहीं? भैया ने तुम्हारे पांव पर सर रख के माफी मांग ली ना? चलो हम शेखर भैया के पास जाएंगे। तुम खामोश क्यों हो मीना? हम वहां कभी नहीं जाएंगे। क्या हुआ भैया? मुझे देखते ही उसने शोभा से कहा, ये यहां भी आ गए हमारी जिंदगी में जहर खो। मीना, मैं ये जहर पी कर आया हूं तुम्हारे शेखर भैया के घर से। मीना, तुम रो रही हो, इसीलिए तो खामोश था। रोया नहीं करते बहन। अरे तुम्हें तो बुखार हो गया। कुछ नहीं, सर में दर्द है। भैया नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। बचाओ 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 बचा
ने तो कितनी बार इशारा किया था, पर मैं ही मूर्ख नहीं समझा। मालिक यहाँ कब तक बैठे रहोगे? चलो बड़े भैया के घर जाकर रहेंगे। नहीं सुखिया नहीं, वो घर मेरे बच्चों की अमानत, मैं उन्हीं को वापस कर दूंगा। तू ऐसा कर, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। क्या कह रहे हो मालिक, सब आपको छोड़ के चले गए, मैं भी इस हालत में आपको छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मैं इतना आदमी खराब नहीं हूं, मैं नौकरी करूंगा और आपको खिलाऊंगा। सुखिया, मैं महेश के बताए हुए रास्ते से चलूंगा, अपने हाथ से मेहनत करूंगा और खाऊंगा। अच्छा हुआ इस सोने की लंका में आ गया। अरे माँ, भैया भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देते थे? वाली गली में जाके पूछिए। सुनो भैया, तुमने यहाँ किसी अंधी लड़के को तो नहीं देखा? नहीं। अच्छा मजाक किया तुमने, इतनी दूर पैदल चलाकर लाई खाली बिस्तर दिखाने के लिए? और क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। भैया तुम कहाँ चले गए इतने बुखार? छोड़ दो, छोड़ दो इसे। ये क्या हो रहा, ये क्या साहब, आपने पैसे ले लिए, ये
सामान रोक रही है। छोड़ दो चाचा। नहीं छोड़ती। ये मत भूलो कि तुम एक नौकरानी। नौकरानी नहीं दूल्हा भैया, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्यों इस घर में आग लगा रहे हो? आग तो तूने लगाई है चंचल, लगाई थी कहीं और, उसकी आँच यहाँ तक पहुँचे। अब ये आग और बढ़ेगी और फैलेगी। कुछ भी हो, मैं यहाँ से एक चीज नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत नहीं जाती। तुम कौन हो तो मुझे निकालने वाले? मैं कौन होता हूँ? मीना का कुछ पता चला? फिक्र न कीजिए भैया, आजकल में जरूर मिल जाएगी। लीजिए ये दवा पी लीजिए। महेश, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन भाइयों से बढ़कर कर रहे। मैं क्या कर रहा हूं भैया, मेरी तो खाल भी आपकी जूतियों के काम आए तो कम। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। आराम? आराम की तो तुम मुझसे ज्यादा जरूरत है भैया। सुबह को गए हुए अब आए हो, अब फिर जा रहे हैं। अब तो मैं इस काबिल नहीं रहा कि मीना को ढूंढने खुद जा सकूं। अच्छा बताओ क्या लिखना है? लिखिए, मेरी प्यारी यशोदा दीदी। मेरी प्यारी यशोदा दीदी। चाचा जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम शहर आ गए। सोचा था बड़े भैया को कहीं काम मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले ही वो बीमार हो गए। मैं डॉक्टर को बुलाने गई तो वो उठ के कहीं चले गए। उन्हें बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला। इतना बड़ा शहर, मैं अकेली बेबस मजबूर, आंखों से लाचार। जो लोग कि मैं तो पागल हो जाती, लेकिन भगवान ने एक देवता के दिल में दया जगा दी और वो मुझे अपने पास लिया। देवता? ये देवता कौन है? आप? मैं? नहीं नहीं, मैं अपनी छोटी तारीख नहीं लिखूंगा, मैं इसे काट देता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये छोटी तारीफ नहीं, मैं तो सोचती हूँ आप मुझे ना मिलते तो मेरा क्या होता। अच्छा अच्छा रो नहीं, आगे बोलो। तलाश जारी है, शायद बड़े भैया मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं अभागे हर रोज अपने आप को कोसती हूँ। उस दिन को कोसती हूँ जब मैं दुनिया में पैदा हूँ। मेरे ही कारण मकान गिर भी पड़ा, मेरे ही कारण शोभा भाभी मुझसे नाराज होकर शेखर भैया को लेकर चले। मेरे खातिर तुम्हारा और बड़े भैया का ध्यान, मेरा सारा जीवन सुना और अधूरा जान पड़ता है, और उस वक्त तक इसी तरह सुना और अधूरा रहेगा जब तक तुम्हारा और बड़े भैया का घर बस नहीं जाता। ये घर भैया और बड़े भैया आपस में मिल नहीं जाते, इसलिए तुम ये चिट्ठी देखते ही चली हो। तुम्हारी मीना। तुम्हारी डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी
अभी भिजवा दीजिए। मैं अभी भिजवा देता हूँ। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये शांति ये सब्र तुम्हें कहाँ से मिला? मैं शोभा को कभी माफ न करता जिसने एक बसा बसा घर उजाड़ दिया और शेखर को पिता समान भाई से अलग कर दिया। ये सब आपको कैसे मालूम हुआ डॉक्टर साहब? मुझे सब मालूम है, मैं डॉक्टर के साथ जोशी भी हूँ। मैं नब्ज देखता हूँ तो दिल का हाल भी मालूम कर लेता हूँ। मैं तो उस बेवकूफ को कभी माफ न करता जो तुम्हारे घर बारात लेकर आया और बिना शादी के वो बारात वापस लेकर चला गया। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें उनका भी क्या कसूर? कौन एक बदनसीब अंधी लड़की के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देता? उसका जीवन बर्बाद नहीं होता मीना, संवर जाता। तुम उसकी आंखों से देख सकती, वो तुम्हारे दिल से महसूस कर सकता। बदनसीब तुम नहीं हो मीना, बदनसीब तो वो था। लेकिन डॉक्टर साहब वो चिट्ठी। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी भिजवा देता हूँ। लक्ष्मी। जी बाबूजी। मीना को खाना खिला दिया? नहीं बाबूजी, कितना कहा मगर कुछ खाती ही नहीं, बस भैया भैया की रट लगाए हुए हैं। मीना तुम तो बेकार परेशान हो रही, मैं तुम्हारे भैया की तलाश करवा रहा हूँ, जरूर मिल जाएंगे। जाओ खाना खा लो, ले जाओ। चलो बेटी। इसे छोड़ा। क्यों शर्मा, मीना के भाई का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं साहब, मैं उस रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ जो उन्हें साथ में ले गया है, शाम को फिर ढूंढने जाऊंगा। जरूर जाना। जी हाँ। बस बस ये रोना धोना बंद करो, लाओ कुछ पैसे दो, दुकान बंद हो जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं? वो तुम्हारे बाप के लाखों रुपए के दरगे सब चले गए तुम्हारी रेस और शराब में, अब तो जहर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम छोड़ क्यों नहीं देते इस मनहूस को? मनहूस तो तुम भी हो शोभा और मैं भी हूँ। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं शराब को नहीं छोड़ सकता। लाओ पैसे निकालो। नहीं, ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरा सुहाग है शेखर, इसे मत छीनो, भगवान के लिए इसे मत छीनो। और हम समझते थे कि हिंदू नारी अपने पति के लिए जान भी दे सकती है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मेरा गला घोट दो, जान और मंगलसूत्र तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। मुझे ललकारो नहीं शोभा, मैं इस कदम गिर चुका हूँ शायद ये भी कर रहा है। मैं रोकू तो कहना शोभा। मेरे बारे में मेरी तस्वीर से क्या कह रही है, मुझसे कहो। डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। कुछ तो जरूर कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। जी, जी, मैं कह रही थी आप कितने भले हैं। तुम भी तो बहुत भली हो। एक बात पूछो। पूछिए। बुरा तो नहीं मानोगे? मैं भला आपकी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ? मुझसे शादी करोगे? डॉक्टर साहब आप एक गंदी लड़की से क्यों मजाक करते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा मीना, मैं सच कह रहा हूँ। तुम हाँ तो कहो, मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब। कहिए पंडित जी, कैसे तकलीफ की? हम तो दूसरों के लिए तकलीफ करते हैं भाई। सर्दी आ गई है, अनाज बच्चों को कुछ कमलों की जरूरत। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, अब तो आप इतने बड़े आदमी हो गए हैं, डॉक्टर रमेश माथुर MBBS और 5 रुपए चंदा। लो भाई, ठीक है। ये तो बताइए, उस दिन आपकी बारात क्यों वापस आ गई थी? लड़की वाकई अज्जी हो गई थी और कुछ नहीं? कुछ नहीं पंडित जी, ठीक है, आप जाइए। क्या बात है? तुम शर्मा क्यों रही हो?
मैंने जो कुछ कहा सच है। अच्छा अब समझा, शर्म का मतलब है। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अभी आता हूँ। अच्छा लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आई बाबूजी। देखो मैं एक अर्जेंट विजिट पे जा रहा हूँ, तुम मीना को खाना खिला देना। चलो बेटी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, इतनी देर तो हो गई, फिर कब खाओगी? डॉक्टर साहब के आने के बाद। भैया बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। मैं बीमार पड़ा था, आज ही बिस्तर से उठा हूँ और जब से मीना को ढूंढ रहा हूँ। कितना अच्छा हुआ आप रास्ते ही मिल गए। मीना भी इधर बहुत परेशान थी, चिंता ने उसे आधा कर दिया है। कहाँ है मीना? भैया मीना, भैया मीना, भैया 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 तुम कहाँ चले गए थे बुखार में? भैया मुझे महेश अपने घर उठा ले गया था, जब से मैं परेशान हो रहा था। तुम कहाँ चले गए? महेश भैया भी यही है। हाँ हाँ यही, वो तो बेचारा भी तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। तो चलो हम घर चले। अच्छा अच्छा तो भाग्य दीजिए। अजी ऐसी भी क्या जल्दी, डॉक्टर साहब को तो आ जानती थी। हाँ हाँ उनका तो मुझे शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। भैया अभी तो हम यहाँ से चलेंगे, फिर बाद में आपको जो बात करनी है वो कर लेना। अच्छा 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 डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा, मैं फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। चलो चलो। देखिए किसी कुली को बुला के सामान रखवा दीजिए, मैं कुछ कपड़े खरीद के आती हूँ। अच्छा जी। एक कुली, एक कुली। जिंदगी भर तू मुझे दुख देता रहा, अब भी दुख देने से बात नहीं आता। तुम कुछ भी कहो मैं तुमको बोझ नहीं उठाने दूंगा। क्यों नहीं उठाने देगा? कौन है तू मेरे पेट पे लात मारने वाला, या कहीं और मजदूरी देख? मालिक मैं तुमको बोझ नहीं उठाने दूंगा। मालिक मैं तुमको बोझ नहीं उठाने दूंगा। मालिक माफ करना भीम साहब। पिताजी सुखिया। बेटी तुम बहू। अरे रे रे ये क्या कर रही, मुझ जैसे पापी के पैर मत छू। एक मैं था कि तुम्हें घर से निकाल दी और एक तुम हो गए। पिताजी आप इस हाल में? बेटा मैं इसी लायक था, महेश ने जो कुछ कहा था वही हुआ। जिस तरह मैंने मीना और राजेंद्र को घर से निकाला था उसी तरह मैं भी बेघर हो गया, भगवान जाने बेचारे कहां। बड़े भैया तो आपके बेटे के साथ है। अच्छा महेश यही है? लेकिन बेचारी मीना कहीं गुम हो गई है, बहुत ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। आप चलिए मैं आपको बड़े भैया के पास ले चलती हूँ। नहीं बेटा मैं उसके सामने नहीं जा सकता, कौन सा मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास। पिताजी भूल जाइए पिछली बातों को, उनके पास नहीं तो मेरे यहाँ चल के रही, मेरा भी तो हक है आप पर। ठीक कह रही है बहू, चलिए मालिक। तू जा मैं नहीं जाऊंगा। आप चलिए ना पिताजी। नहीं चलोगे? कैसे नहीं? अरे ये क्या कर रहा है? अरे तू पागल हो गया? मैं कह रहा हूँ तू तमाशा दिखा रहा है, अरे तू भी इसकी बात में ले। शर्मा मीना के भाई मिले साहब, मिले भी आए भी और अपनी बहन को लेके चले भी गए। क्या कहा चले भी गए? जी हाँ, उन्होंने उन्हें मेरे आने तक रोका तो होता। साहब मैंने बहुत उनसे कहा पर उन्होंने कहा मैं फिर आऊंगा। तुम्हें उनका पता मालूम है? जी नहीं। जाओ जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ जल्दी। साहब मैं कहाँ ढूंढूं, अभी मरीजों के आने का वक्त भी हो गया, फिर तलाश कर लूंगा। तुम्हारा हर काम अधूरा होता है। आ,
महेश नहीं, रिक्शा वाला। कुछ सामान लाया। सामान? हाँ, रिक्शा में जो शराब का पीपा पड़ा वो तुम्हारा या किसी और का? शेखर, शेखर, शेखर। बुलाओ अपने आदमियों को, इसे उठा के बाहर रखे। महेश, शेखर आखिर तुम्हारा भाई है? हाँ नहीं था। जल्दी खाली करो मेरा रिक्शा, मुझे बड़े भैया के पास पहुँचना है। वो अभी तक यही है? और कहाँ जाते? मकान था वो चला गया, भाई था वो ये पड़ा, बहन थी वो बदनसीब न जाने कहाँ गुम हो गई। गुम हो गई? हाँ, भैया बीमार थे और वो उठकर कहीं चली गई। भैया ने बुखार में सिर्फ इतना ही सुना, भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देते, जाने वो बेचारी जिंदा है या नहीं। महेश, मैं कितना भागा, वो मेरा शोभन करना चाहती थी, मैं उसकी राखी को ठुकरा के चला है, शायद उसी का फल मुझे मिल रहा है। अब पछता रहे हो शेखर? तुम चाहोगे एक बार तुम्हें वो तागा मिल जाए जिसमें एक मासूम बहन ने अपना दिल पुरोया था। तुम्हें जहान मिल जाएगा शेखर, लेकिन वो तागा तुम्हें कभी नसीब ना होगा। मीना, क्या है भैया? तेरा मुंह तो खोल। मिठाई? नहीं मिठाई नहीं पगली, प्रसाद है भगवान का, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी। भैया लो, महेश भी आ गया। महेश, महेश, मीना मिल गई। मीना मिल गई? हाँ। मेरी बहन मिल गई। मीना, महेश भैया। मीना, मीना मेरी बहन, मीना, मीना तुम कहाँ खो गई थी? मीना भैया, मीना ये क्या भैया, रात को टोपी? मीना मैंने तो भैया कहा था ना, लो प्रसाद लो। महेश भैया, मीना ये लो, मीना ये प्रसाद खा लो। मैंने खा लिया भैया, तुम खा लो। एक बहन के आ जाने से कितनी रौनक हो जाती है, देखिए ना भैया, आज ये झोपड़ा भी जगमगा उठा। अब मेरे अंधेरों में भी एक जोत जला दो भैया, मुझे शेखर भैया के पास ले चलो। नहीं नहीं मीना, मैं तुझे पहले भी बतला चुका हूँ, वो सारे नाते तोड़ चुका है, उसकी दुनिया अब तेरे बिना भी अधूरी नहीं। जिस राखी को तो सीने से लगाकर बैठी है उसके लिए बस सूत का एक तागा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज वो इस तागे के लिए तड़प रहा, वो कह रहा था, महेश मैं कितना अभागा हूं, मीना मेरा शगुन बनाना चाहती थी और मैं उसकी राखी ठुकरा कर चला। शेखर भैया तुम ही ले चलो ना मुझे शेखर भैया के पास, ले चलो ना। नहीं मीना, मेरे पास टाइम नहीं और अभी सिनेमा छूटने वाला है, फिर किसी वक्त चलेंगे। तुम ही चलो ना भैया मेरे साथ। मैं तो शेखर की शक्ल भी ना देखूं, तो आदमी अपनी मासूम बहन के दिल को रौंद सकता है? वो मेरा भाई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे उसके नाम से नफरत है। अगर मेरी मौत का वक्त भी आ गया तो मैं कहूंगा उसे मेरे सामने मत आ। अच्छा भैया, फिर कभी नहीं कहूंगी, फिर कभी नहीं कहूंगी भैया। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, मुसीबत कैसे हो छोटे भाई? ये तुझे कहां से मिली? आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। ओ,
जहां से निकल कहती है जिंदगी इस जहां से निकल जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल चांदनी आई घर जलाने सुझे न कोई मंजिल जाऊं कहां बताए दिल गिर गया हाथ से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया झूठ क्यों बोलती हो भाभी मीना भाभी को झूठा कह रही हो बेशर्म शेखर मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए मैं जा रहा हूँ नहीं भैया ये तो बहन की प्रार्थना है बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशगन होता है भैया होता है तो होने दो हाय इस पार तो जाने उस पर क्या हो किसे है खबर ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल चांदनी आई घर जलाने सुझे न कोई मंजिल जाऊं कहां बताए दिल सजा उसको मिली सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी दोषी तो मैं हूं नहीं शोभा तुमने कुछ नहीं किया तुमने देवता जैसे भाई का दिल नहीं तोड़ा तुमने देवी जैसी बहन को नहीं ठुकराया मुझे जाने दो शोभा मेरे लिए अब एक ही रास्ता है मेरी बर्बादी का नहीं शेखर नहीं एक रास्ता और भी हम दोनों जाकर भैया से माफी मांगेंगे अब मैं कौन सा मुंह लेके भैया के पास जाऊं मैं उनके सामने नहीं जा सकता तो मुझे भी अपने साथ ले चलो शेखर मुझे भी अपने साथ ले चलो नहीं शोभा प्रायश्चित मुझे करना है तुम्हें नहीं तुम तो पहले ही बहुत दुख झेल चुकी हो शेखर तुम ये क्यों भूलते हो हमने अग्नि को साक्षी बनाकर वचन दिए थे कि जिएंगे तो एक साथ मरेंगे तो एक साथ शेखर तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं शेखर ये जिद नहीं ये मेरा अधिकार है शेखर उसके लिए बस सूद का एक तागा है लेकिन आज वो इस तागे के लिए तड़प रहा वो कह रहा महेश मैं कितना अभागम मीना मेरा शगुन बनाना चाहता और मैं उसकी राखी ठुकरा कर चला आदमी अपनी मासूम बहन के दिल पर रोक सकता वो मेरा भाई नहीं मेरा कुछ भी नहीं Thank you.
मीना कहाँ? मीना? हाँ मीना 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 दिए क्या? दिखाई नहीं देता? हाँ बाबू, माफ करना। राय साहब शंकरलाल का घर कहाँ है? अरे वो तो यहाँ से बहुत दूर है। पर रास्ता तो यही है ना? हाँ हाँ यही रास्ता है। अरे अरे बेचारी को बहुत चोट लगी है, जरा वो गाड़ी को रोको। क्या है, क्या हुआ? एक लड़की ट्रक के नीचे आ गई। खेल के मेरी जान बचाए। जल्दी अस्पताल ले चलिए, बहुत खून बह रहा है। जल्दी ले चलो। एक लड़की का एक्सीडेंट, उसे अस्पताल ले गए। हेलो, कौन? शर्मा बोल रहा है। क्यों, एक्सीडेंट हो गया है? मीना का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जी हाँ, वो हॉस्पिटल में। आइए चलिए। मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा पापी हूं, ये सब मेरा कसूर है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो लकीरें खींची थी, तुम कैसे बदल के मैं कैसे मिटा। शर्मा तुम इन्हें कैजुअलिटी वार्ड में ले जाओ, मैं हाउस सर्जन से मिलकर आता हूं। आइए।
तुम यहाँ कैसे? मुझे मीना ने खत लिखा था। हाँ लिखा था, भैया कहीं चले गए। पर अब वो कहीं जा रही है, उसे रोक मुझे छोड़ा, उसे रोक। सुनिए आप लोग मरीज को देख सकते हैं। मीना, मीना, उठ मीना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। मीना, तुम कहा करती थी ना मुझे शेखर भैया के पास ले चल, देखो वो खुद चलकर तुम्हारे पास आया। भैया, शेखर भैया। मीना, शेखर भैया। मीना, भाभी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मीना। मीना, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? क्या कर रही हो भाभी? माँ बेटी को कभी हाथ जोड़ती है? शेखर भैया, मीना, तुम दूर क्यों हो? मैं तो तुम्हें राखी बांधने जा रही थी, लेकिन राखी मुझे मिल गई है। कितना अच्छा होता अगर यशोदा दीदी भी आ जाती। मैं तुम्हारे पास हूँ मीना। ओ, तुम आ गई हो दीदी। भैया, मीना, अब भी नहीं मानोगे तो मैं माँ से शिकायत करूंगी, जाके कहूंगी भैया मेरे कोई बात नहीं मानते थे। तुझसे पहले मैं माँ के पास जाऊंगा। मीना, मैं जाऊंगा, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, जिंदा नहीं रह सकता। आप मीना के साथ तो जी सकते हैं। बड़ा डॉक्टर कहता है मीना चंद ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। भैया, यही है वो डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। डॉक्टर रमेश जी, हाँ, जो एक बार अपने पिताजी के कहने पर इस हीरे को ठुकरा कर चला आया था। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर इस हीरे का दान मांगता हूं। तो देवता जैसा पति मिला है। भैया, मैंने अपनी मीना को फूल की तरह पाला है। आज पहली बार ये मुझसे बिछड़ गया। आप चिंता न कीजिए, मीना की आंखों का ऑपरेशन होते ही हम वापस आ जाएंगे, और जब मीना लौटेगी तो अपनी आंखों से आपके दर्शन करेगी। चलो मीना, समय हो गया। यशोदा भाभी, यशोदा भाभी, मैं भैया को तुम्हें गाँव के जा रही हूँ। शेखर भैया। मीना। शेखर भैया, मेरे भाभी का ख्याल रखना। घबराओ नहीं मीना। चलो मीना। मीना, हमसे नहीं मिलोगी? नहीं भैया। हाँ भाई, हम ठहरे दूर के भाई, लखनऊ आया सहारनपुर। तुम दूर के हो तो पास का कौन है महेश भैया? बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तू अभी ले जा। बद्री नारायण जा रहा हूँ, तुमसे वहाँ से आदमी लौट कर नहीं आता। क्यों पिताजी? सुनो
सौभाग्यवती रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतों फलो। चलो मीना, वक्त हो रहा है। बहन परा